गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर मार्केट एंड मार्केटिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग ऑफ मार्केट. इन कॉमन लैंग्वेज इफ आई आस्क समबडी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केट, ही विल से वेयर गुड्स आर बॉट एंड सोल्ड, वेयर कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स आर मीटिंग टूगेदर टू एक्सचेंज द गुड्स एंड सर्विसेस. मे बी पीपल से दैट इट इज अ प्लेस वेयर गुड्स आर बीइंग सोल्ड, दैट इज मार्केट. बट इन इकोनॉमिक्स इफ वी से व्हाट इज मार्केट, देन अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर, अ मार्केट इज अ सेट ऑफ ऑल एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर्स. नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट. डिफरेंट डेफिनेशंस रिवील्स मेनी कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केट. फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज प्लेस कॉन्सेप्ट. प्लेस कॉन्सेप्ट मीन्स अ लोकेशन और अ प्लेस वेयर गुड्स आर बीइंग सोल्ड एंड परचेस्ड. सेकेंड इज एरिया कॉन्सेप्ट. एरिया कॉन्सेप्ट मीन्स एन अ ज्योग्राफिकल एरिया वेयर द पोटेंशियल कस्टमर्स आर मीटिंग. थर्ड इज डिमांड कॉन्सेप्ट. डिमांड कॉन्सेप्ट मीन्स एग्रीगेट डिमांड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. फोर्थ इज एक्सचेंज कॉन्सेप्ट. एक्सचेंज कॉन्सेप्ट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक्स प्लेस. मे बी स्टॉक एक्सचेंज, मे बी कमोडिटी एक्सचेंज. एंड फोर्थ इज पीपल कॉन्सेप्ट. पीपल कॉन्सेप्ट मीन्स अ मार्केट कंसिस्ट ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मार्केट. इट हैज बीन ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, ट्रेडिशनल मार्केट एंड नॉन ट्रेडिशनल मार्केट. नाउ दिस ट्रेडिशनल मार्केट हैज फर्दर बीन डिवाइडेड ऑन फाइव बेसिस. फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल एरिया. सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस वॉल्यूम. थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफ एक्सचेंज. फोर्थ ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजेक्शंस. एंड फिफ्थ ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ गुड्स. फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल एरिया डिवाइडेड इंटू फोर पार्ट्स. फर्स्ट इज लोकल, सेकेंड रीजनल, थर्ड नेशनल एंड फोर्थ इंटरनेशनल. लोकल मीन्स एन एरिया, अ स्मॉल लोकेशन वेयर गुड्स आर बीइंग सोल्ड एंड परचेस्ड. रीजनल मीन्स फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया. नेशनल मीन्स फ्रॉम वन डिस्ट्रिक्ट टू अनदर डिस्ट्रिक्ट, मे बी फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट. एंड इंटरनेशनल मीन्स फ्रॉम वन नेशन टू अनदर नेशन. नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, इट हैज बीन डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स. फर्स्ट होलसेल बिजनेस, सेकेंड रिटेल बिजनेस. होलसेल बिजनेस मीन्स वेयर गुड्स आर डायरेक्टली परचेज फ्रॉम प्रोड्यूसर्स इन बल्क एंड सोल्ड इन स्मॉल क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड होलसेल बिजनेस. रिटेल बिजनेस वेयर अल्टीमेट कंज्यूमर्स आर बींग सोल्ड द गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटीज, मे बी इन सिंगल यूनिट, दैट इज कॉल्ड रिटेल. सेकेंड थर्ड इज सब्जेक्ट ऑफ एक्सचेंज. सब्जेक्ट ऑफ एक्सचेंज हैज बीन डिवाइडेड इन टू थ्री पार्ट्स, कॉमोडिटी, कैपिटल एंड मनी मार्केट. नेक्स्ट इज पोजिशन ऑफ बायर्स. देन नेचर ऑफ ट्रांजेक्शंस. नेचर ऑफ ट्रांजेक्शंस स्पॉट मार्केट, फ्यूचर मार्केट, वेयर गुड्स आर इमीडिएटली ट्रांसफर्ड टू द कंज्यूमर्स, दैट इज कॉल्ड स्पॉट मार्केट. एंड वेन गुड्स, वेन ऑर्डर्स आर टेकन फॉर फ्यूचर पर्पज, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर मार्केट. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज नेचर ऑफ गुड्स.
that are also being divided in two parts. One is consumer's goods, second is producer's goods. Consumer goods means the goods which are directly consumed by any consumer. Like I am buying a shampoo for my use, this is called consumer goods. But when producer goods are those goods which are used by the producers, like machineries. Different machineries are purchased by different producers for different manufacturers for further more production, for production of different other goods. That is called producer's goods. Now, next is non-traditional market. This non-traditional market topic we will be discussing in our next lecture. Till then, thank you. Goodbye.